हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आज मैं सूजी से बनाने वाली स्नैक्स की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बाहर से करारे और अंदर से सॉफ्ट और चीज़ी होते हैं और खाने में तो और भी टेस्टी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप सूजी मिक्सर में चलाकर पाउडर बना लिया है। अब पैन में 1 चम्मच दही और 2 कप पानी डालकर उबालेंगे। फिर नमक और सूजी डालकर इसका एक डो बना लेंगे। अब एक स्टफिंग बनाएंगे। उसके लिए एक बोल में बॉइल कॉर्न लेंगे। उसमें से आधे से ज्यादा कॉर्न को मिक्सी में मोटा मोटा पीस लेंगे। दो मीडियम साइज के आलू बॉईल करके लेंगे और उनको ग्रेट करके लेंगे। फिर उसमें हरी मिर्च, चिल्ली फ्लेक्स, हल्दी पाउडर, नमक स्वादानुसार, ओरेगानो, अमचूर पाउडर, हरा धनिया और गरम मसाला डालकर मिक्स करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 चीज़ क्यूब्स लिए हैं। इनको मैं छोटे टुकड़ों में काट कर रखूंगी। अब स्टफिंग में से थोड़ा सा स्टफिंग लेके उसमें चीज़ डालकर इस तरह से बॉल तैयार करेंगे। अब सूजी के आटे को अच्छे से गूंद लेंगे और फिर उसे पूरी की तरह बेलकर उसे बनाए हुए स्टफिंग बॉल रखकर सूजी से कवर कर लेंगे इस तरह से। और इस तरह से सारे वड़े या पैटीज बनाकर रेडी करेंगे। तो मैंने सारे पैटीज बना लिए हैं, तो अभी हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। ऑयल मैंने पहले से ही गरम करके रखा हुआ था। इन पैटीज को शुरुआत में तेज आंच पर ही फ्राई करना है और फिर इनको जब गोल्डन कलर आना शुरू हो जाए तो गैस को मीडियम कर देना है और इन्हें अलट पलट कर फ्राई करना है। इन्हें आप अगले दिन रेडी कर कर बच्चों को टिफ़िन के लिए भी दे सकते हो। बड़े ही चटपटे लगते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। हैप्पी कुकिंग।